एवरीवन, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। मैं हूं मीना शाह। मेरे पास आज दो डिवाइसेस हैं, आप इसको स्मार्टफोन्स भी कह सकते हैं, आप उनको फीचर फोन भी कह सकते हैं। आपको याद होगा कि डिजिट 4G की एक डिवाइस की हमने अनबॉक्सिंग की थी, रिव्यू भी किया था, वो बहुत पसंद की गई, डिजिट 4G क्लासिक। और वो पाकिस्तान में जब लॉन्च हुई थी तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उस फ़ोन को लॉन्च किया गया था। डिजिट लाया 4G एलीट एंड डिफेंडर। डिजिट इसको पाकिस्तान का स्मार्टफोन कहता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के हर तबके तक पहुंचता है, और ये पाकिस्तान की वो गरीब आवाम यूज़ कर सकती है जो कि स्मार्टफोन्स अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि वो महंगे होते हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ इनको मिल सकता है। इसमें वो तमाम एप्लीकेशन हैं जो कि इनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, लाइक यूट्यूब इसमें मौजूद है। इसके साथ वो व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, गूगल पे कुछ सर्च करना चाहें, इसके साथ गूगल मैप्स यूज़ करना चाहें, इसमें हॉटस्पॉट मौजूद है, तो वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक स्मार्टफोन में आपको मिलता है। डिजिट ने मीडियाटेक, कायोस और जेस की पार्टनरशिप के साथ डिजिट 4G एलीट और डिफेंडर को पाकिस्तान में लॉन्च किया है। लाइक है तो फीचर फ़ोन, लेकिन है पाकिस्तान का स्मार्टफोन, तो उसमें आपको कायो स्टोर के साथ बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशंस मिली हैं जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। डिजिट 4G एलीट की जो प्राइस है वो है 4,599, और अगर मैं बात करूँ डिजिट 4G डिफेंडर की तो इसकी प्राइस है 4,099 रुपये। तो यहाँ पर प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि बहुत कम डिफरेंस है। यहाँ पर स्क्रीन में आपको थोड़ा सा मिलेगा चेंज। हमने इनको करना है अनबॉक्स, लेकिन अनबॉक्सिंग से पहले यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं जो कि यहाँ बताना बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं अनबॉक्सिंग से पहले, तो वो साथ साथ शेयर करते हैं। बॉक्स पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जैस का लोगो भी है, डिजिट का लोगो भी है, एंड ये है 4G डिवाइसेस, यानी कि इसमें 4G नेटवर्क भी आप चला सकते हैं, क्योंकि फीचर फ़ोन में 4G अच्छी बात है ना। और इसके साथ यहाँ पे कायोस स्टोर आपको मिल रहा है इस फ़ोन में, यहाँ पे व्हाट्सएप लोगो बना हुआ है, फेसबुक, गूगल, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप्स एंड यूट्यूब आप ये यूज़ कर सकते हैं। और बैक पर भी कुछ इसी तरह के लोगोज़ बने हुए हैं। और ये जो हमारे पास जो है डिजिट 4G एलीट, इसमें आपको सुपर लॉन्ग बैटरी एंड बिग स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको स्क्रीन बड़ी मिल रही है, और बैटरी अगर हम देखें डिजिट 4G डिफेंडर को, उससे ज़्यादा आपको स्क्रीन भी बड़ी मिल रही है और आपको बैटरी भी ज़्यादा दी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिफेंडर के बॉक्स को देखें तो यहाँ पर सुपर लॉन्ग बैटरी लाइफ यहाँ मेंशन है, एंड स्मार्टफोन विदाउट कैमरा। लाइक अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको कैमरा नहीं चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, डिफेंडर की तरफ। लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए, फीचर फ़ोन भी चाहिए, और आपको कैमरा भी चाहिए नॉर्मल यूजेज के लिए, तो आप जा सकते हैं एलीट की तरफ। तो बातें काफ़ी सारी हो गई हैं, अब हम इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हमने अनबॉक्स करना है डिजिट 4G एलीट को। हमने ये देखना है कि हमें फ़ोन के साथ क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको हैंडसेट भी मिलते हैं, आपको चार्जर भी दिया गया है, और इसके साथ आपको बैटरी भी दी गई है। यहाँ पर ये बता दूँ कि एलीट का जो मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, इसकी जो बैटरी है वो है 2000 mAh की बैटरी, और जो डिफेंडर की है वो उससे कम है। लेकिन अगर आप इस फ़ोन को देखें तो 2000 mAh की बैटरी अच्छी खासी है। वैसे भी इस तरह के फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती। अच्छा जी, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं, साथ साथ मैं इस डिफेंडर की भी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, ताकि दोनों फ़ोन्स एक साथ हम लोग देखें, ऑन भी करें। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें आप मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, और ये है ड्यूअल सिम। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको ड्यूअल सिम ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन मेमोरी कार्ड का भी मिल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़रूरी होता है। अगर आपको याद हो, इस तरह के जितने भी फीचर फ़ोन हम यूज़ करते थे तो इसी तरह के ड्यूअल सिम मिलते थे, तो स्मार्टफोन में भी आपको वही चीज़ अब मिलती है, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के फ़ोन में ही आपको ये ऑप्शन मिलता था। अच्छा जनाब, तो ये हो गई है इसकी बैटरी फिक्स, और यहाँ पर आपको इसकी बैक साइड पे मिल रहा है कैमरा, QVGS में कैमरा यूज़ किया गया है। तो वैसे ही अगर आप कोई मेमोरी अपनी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसको ऑन भी कर लेती हूँ और थोड़ी सी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। ऑन हो गई है ये डिवाइस। जैज़ एंड कायोस का आपको लोगो मिल रहा है, और इसके साथ डिजिट की ब्रांडिंग भी मिल रही है। तो
तो फीचर फ़ोन, लेकिन इसकी लुक्स बिल्कुल वैसी फ़ीचर फ़ोन जैसी नहीं है जैसे कि आपको अक्सर मिलता है। अगर मैं बात करूँ डिजिट 4G क्लासिक की, तो उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज है। ये काफ़ी ग्लॉजी है, बहुत फिनिशिंग है इसमें, यानी कि वो बोरिंग से डिज़ाइन नहीं है जैसे कि एक आपको फ़ीचर फ़ोन में मिलता है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक्स हैं इसकी। और अगर मैं बात करूँ डिजिट 4G डिफेंडर की, तो उसकी लुक्स भी अच्छी हैं, लेकिन मुझे एलीट की लुक्स ज़्यादा इसलिए भी पसंद आई कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। और आपको पता है कि स्टूडेंट्स को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स, तो उनके लिए इस तरह की लुक्स भी काफ़ी हैं कि अगर उनको एक फ़ीचर फ़ोन दिया जा रहा है जिसमें तमाम स्मार्टफोन फीचर्स मौजूद हैं और उनकी लुक्स भी अच्छी हैं, तो इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव लगा। एलीट का जो साइज़ है वो है 2.8 इंच का, और अगर आप इसके फ्रेम को देखें और बैक पैनल की तरफ देखें तो फिनिशिंग अच्छी लगी मुझे। डिवाइस ऑन हो चुकी है, इसमें आपको 512 MB रैम मिलती है और 4GB रोम मिलती है, तो यहाँ पर स्टोरेज ज़्यादा दी गई है, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी है, आप अपनी मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं। तो डिफेंडर भी अनबॉक्स हो गया है, यहाँ पर आपको सेम वही चार्जर मिल रहा है, हैंड्स फ्री मिल रहे हैं, और इसकी बैटरी को भी बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम इस फ़ोन को ऑन कर सकें और देखें कि दोनों फ़ोन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि प्राइस में तो बिल्कुल भी यहाँ पर बहुत ही कम मिल रहा है डिफरेंस, लेकिन देखते हैं लुक्स में क्या चेंजेस हैं। और यहाँ पर भी सेम आपको ड्यूअल सिम की सपोर्ट मिलती है और आपको मेमोरी कार्ड ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पर इस फ़ोन को अगर मैं देखूँ डिफेंडर को, तो डिफेंडर में आपके पास कैमरा मौजूद नहीं है। वही बात कि अगर आपको कैमरा नहीं चाहिए और आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो स्मार्टफोन भी हो, फीचर फ़ोन भी हो, कैमरा भी ना हो, तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ये काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन मुझे लग रहा है। लाइक आप इसके कलर को देखें, कलर भी बहुत खूबसूरत है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं। डिजिट की ब्रांडिंग आपको मिल रही है। डिजिट 4G डिफेंडर में भी आपको 4GB रोम और 512 MB रैम मिलती है, तो दोनों डिवाइसेस में रैम एंड रोम सेम दी गई है। और इसके साथ अगर मैं इसके बात करूँ बाकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको जो बैटरी दी गई है डिफेंडर में वो 1700 mAh की बैटरी दी गई है, तो यहाँ पे बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है आपको। डिजिट 4G एलीट और डिफेंडर में MediaTek MT6731 पावरफुल क्वाड कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है, कि दोनों फ़ोन 4G हैं लेकिन इसमें आपको वाईफाई का सपोर्ट भी मिलता है, इसमें आपको ब्लूटूथ भी मिलता है, इसमें आपको हॉटस्पॉट भी मिलता है और 200+ ऐप्स को ये सपोर्ट करता है। तो जो एप्लीकेशंस नहीं है वो अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, वो इसमें ऐड होती रहेंगी स्टोर में। तो सबसे पहले हमने देखना है इसकी स्क्रीन को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास है लीड, इसका जो डिस्प्ले है वो ज़रा बड़ा है, इसमें बैटरी भी बड़ी है, इसके अंदर बैटरी भी कम है डिफेंडर में, और इसकी स्क्रीन साइज़ भी थोड़ी छोटी है। तो आपको दिख रहा है साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको एक स्लाइड बनी हुई नज़र आ रही है जिसमें जितनी भी ऐप्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप्स, यूट्यूब, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो कायो स्टोर में काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, गेम्स भी हैं, इसमें आपको सोशल ऐप्स मिलेंगी, कॉलिंग ऐप्स भी मिलेगी। बाकी बिल्ड क्वालिटी दोनों फ़ोन्स की मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसके साथ फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा है। और इसके साथ अगर आप कोई गेम करना चाहते हैं, वैसे गेमिंग के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ही लाइट गेमिंग करना चाहते हैं तो कायो स्टोर में कुछ इस तरह की गेमिंग भी मौजूद है। यहाँ पर कुछ ऐप्स आपको मिल रही हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड है, इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, इसमें आपको मिलता है जैज़ TV भी, और इसके साथ इसमें आपको एक वीडियो मोड भी मिलता है, और इसमें आपको फाइल मैनेजर भी मिलता है जहाँ पर आपकी तमाम जितनी भी अगर आप कोई पिक्चर ले रहे हैं या ऑडियो आपकी रिकॉर्डिंग है वो इसमें सेव होती रहेगी। और बाकी इसमें म्यूज़िक का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, और इसमें आपको मिलता है गैलरी, क्लॉक, और इसमें ईमेल का भी ऑप्शन है, और गूगल पर भी आप जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये दोनों ऐसे फ़ोन हैं जो कि अफोर्डेबल प्राइस के साथ आपको मिल रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि डिजिट 4G क्लासिक को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, तो इसीलिए भी अब देखते हैं कि इन दोनों फ़ोन्स को क्या रिस्पॉन्ड मिलता है। इसके साथ मज़ीद डिटेल्स आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसके कुछ इस तरह की वीडियोज़ बनेंगी जिसमें इसके टॉप 5 फीचर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, लाइक इसमें कुछ ऐप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, और हॉटस्पॉट को जो है वो क्रिएट करके देखेंगे, वाईफाई कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह के कुछ वीडियोज़ हैं जो हम लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, अनबॉक्सिंग आपने देखी है, कुछ इसके डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की, तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।